बीजेपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि वे सब्सिडी में दी जा रही 9 सिलेंडर्स के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को संयुक्त परिवार का भी ख्याल रखना चाहिए और 12 सिलेंडर दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने किसानों के लिए डीजल में सब्सिडी दिए जाने की भी वकालत की और इसी संदर्भ में इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने। सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, 9 से 12 की संख्या बढ़ाई जाएगी। बात करते हैं राज्य सरकार में शामिल एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक से। सरकार ने पहले राज्य सरकार ने दरअसल 9 से 6 से लेकर 9 सिलेंडर बढ़ाने का वादा किया था दिवाली के अनमौके पर। अब केंद्र सरकार ने संख्या बढ़ाने का फैसला लिया 9 से 9 तक। क्या 9 और 3 12 की संख्या मिलेगी महाराष्ट्र में? ऐसा है कि केंद्र सरकार ने 9 का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। राज्य का जो निर्णय था वो इसी आधार पे था, अगर केंद्र अपना निर्णय 9 का बदलेगी तो हम वो अपना निर्णय वापस लेंगे। लेकिन 9 की संख्या छोटे कुटुंबों को पर्याप्त मात्रा में है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त कुटुंब भी है लोगों के। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें केरोसिन की मात्रा परिवार के संख्या पे आधार तय की जाती है। तो हमारी मांग पार्टी की है जो संयुक्त कुटुंब है उनको 9 पर्याप्त मात्रा नहीं है, उनकी संख्या 12 की जाए। किसानों को सब्सिडाइज डीजल देने की आपकी मांग है, किस तरीके से ये मांग को आप आगे बढ़ाओगे? केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को अधिकार दिया है कि वो अपनी डीजल की कीमतों को बढ़ाएं, लेकिन जब ये कीमतें बढ़ेंगी तो किसानों को खेती के लिए जो ट्रैक्टर चलाना है, जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ डीजल पंप के जरिए सिंचाई होती है, तो ऐसे में किसानों को बड़ी परेशानी होगी। हमने पहले भी मांग की थी कि जो महंगी गाड़ियाँ हैं उस पर टैक्स लगा के वहाँ से कुछ पैसा इकट्ठा किया जाए, तो वही फॉर्मूला अगर तैयार किया गया तो पैसा उपलब्ध हो सकता है और किसानों को ट्रैक्टर के लिए डीजल पंप के लिए जो ज़रूरत है वो कैश सब्सिडी के रूप में योजना लाएंगे तो किसानों को राहत मिलेगी। ये थे एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक, जिनका ये कहना है कि दरअसल केंद्र सरकार ने भले ही 6 से 9 की संख्या बढ़ाई होगी लेकिन राज्य सरकार उसमें कोई अपना योगदान नहीं देगी, मतलब अपने भूमिका से वो पूरी तरह से बदल गया। कैमरामैन एसके द्विवेदी के साथ मनोज बोर, समय, मुंबई। डीजल की कीमत बढ़ने